हरे कृष्णा। वैदिक वॉरियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए? जो कृष्ण के भक्त हैं वो प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाते हैं? इस विषय में पुराणों में बहुत सुंदर कहानी है। जब समुद्र मंथन हुआ था तब समुद्र से अमृत का कलश निकला था और उसी अमृत को बांटने के लिए भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया था। और भगवान विष्णु के ये जो मोहिनी अवतार है, इससे मोहित होकर जो असुर थे वो अमृत कलश को भगवान विष्णु के हाथ में दे दिए थे बांटने के लिए। और भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया था और असुरों को अमृत नहीं दिया था। तो भगवान जब बांट रहे थे तो राहु नाम के एक असुर ने भगवान की ये छल को समझ गया था और देवता के रूप धारण करते हुए अमृत पान किया था। और जब उसने अमृत पान कर लिया था तब भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया था। चक्र से कटते वक्त उसके गले से हड्डी के जो टुकड़े और मांस गिरे थे, मांस से प्याज और हड्डी से लहसुन का उत्पत्ति हुआ। प्याज लहसुन खाने से असुर भाव का उत्पत्ति होता है, शरीर भी उत्तेजित रहता है। अमृत से जुड़ा है इसलिए इसमें कुछ औषधि गुण होते हुए भी ये सात्विक व्यक्तियाँ इन्हें ग्रहण नहीं करते हैं। जो भगवान के भक्त हैं वो इन्हें ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान को भोग लगाकर उनका प्रसाद ही ग्रहण करते हैं। और प्याज लहसुन क्योंकि एक असुर के खाए गए जूठे अमृत और असुर के हड्डी और मांस से उनका जन्म हुआ है, इसलिए ऐसे अपवित्र और तामसिक और जूठा द्रव्य हम भगवान को भोग नहीं लगा सकते। यही कारण है कि कृष्ण के जो भक्त हैं वो इसे ग्रहण नहीं करते हैं। और भी बहुत सारे शास्त्र हैं जहाँ पे प्याज लहसुन को खाने के लिए मना किया गया है। और प्याज लहसुन पेड़ के फल भी नहीं है और ये कोई नॉन वेज भी नहीं है, फिर भी हम इसे नहीं खा सकते। ये हमारे शरीर में जो सात्विकता है उसको नष्ट करता है। इसीलिए जो ज्ञानी व्यक्ति है वो अपनी सात्विकता को बनाए रखने के लिए प्याज लहसुन इत्यादि द्रव्य नहीं ग्रहण करते हैं। ज़्यादा प्याज लहसुन ग्रहण करने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, इनका उपद्रव शरीर में बढ़ जाता है। ये लोग बहुत एक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति अपनी साधना के पथ में आगे बढ़ना चाहता है उनको अवश्य करके प्याज लहसुन को त्यागना चाहिए। हरे कृष्ण।